नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल खबर लहरिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के जो ये गांव है, ये बिलगरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मजरा मिश्राने हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं और इनका कहना है कि हमें सरकारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली हैं, जैसे कि आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा। और ये दादी हैं, इनको कहना है हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है, चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपको सरकारी सुविधाएं क्या क्या नहीं मिली है, अभी आप बता रहे थे। हमको जो आवास नहीं मिला है, दोनों पुराने विकलांग हैं, हम हाथ और पैर से दोनों विकलांग हैं, मेरा आदमी जो है पैर से विकलांग है, और शौचालय भी नहीं है। आपको शौचालय भी नहीं मिला है और आवास भी नहीं मिला? हाँ, आवास। ये घर आपका है जो छप्पर? हाँ, ये घर मेरा है जो है छप्पर में रहती हूँ, जूता है, बरसात में अब बड़ी वो रहती है। बच्चे भी हैं आपके? दो लड़के हैं। तो किस तरह से रहती है, क्योंकि अभी बरसात का समय है? वो ऐसे रहते, बच्चे जब जो ना है ना ये सुविधा बातों का करी, एक जने बिकला जो ना मोटे दिमाग का है, इन्हों को जो ना है वैसे जो ना खवाओत पियावत है, मोले की राशन 20 किलो, चार जने है 20 किलो राशन मिलता है। किस तरह से दिक्कतें होती, मतलब कि आप जैसे आप विकलांग हैं, आपके पति भी है, तो दिक्कतें किस तरह से होती, क्योंकि शौचालय भी नहीं है? शौचालय भी नहीं है, जाने आने में दिक्कत होती है, बच्चे जो है बाहर भीतर में। आपने प्रधान से इस गांव के या फिर जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे बात नहीं किया था? नहीं, ब्लॉक स्तर बच्चे जी प्रधान से बात किए रहे हो? प्रधानों से ना कहन है, कभी आओ दिन ना प्रधान आपके यहाँ? राशन तो नहीं किया मिलता है, राशन नहीं मतलब आवास के लिए शौचालय नहीं, प्रधान ना आवा रहे, फिर भी नहीं आते। आप लोग नहीं जाते हैं, आपके हस्बैंड की जाके बात करेगी? बच्ची जो ना उतना जो ना उनका वो है ना विकलांग, जाए में चले में दिक्कत हुआ था, कहाँ का जाए। हम जो ना है हाथ पैर से दोनों विकलांग है, दो लड़के हैं छोटे छोटे अभी हैं, उनको पढ़ाना लिखाना कैसे क्या करें। तो ये घर आपका है, आप देख सकते हैं ये घर इनका है और कच्चा है, किस तरह से रह रही, इनके दो बच्चे भी हैं जी। आप अपना नाम बता दीजिए। अनीता। गांव का नाम बताइए। मिश्राने। किस तरह किसूटी में आता है? अच्छा, तो आपको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिली है? शौचालय नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिली। आपको भी शौचालय कॉलोनी नहीं मिली? तो अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, काफी बरसात होती है, आए दिन होती है सुबह से लेके शाम तक, तो इस समय आप लोग कैसे बाहर भीतर जाते हैं? अब वैसे जाते हैं, जैसे कितना दूर जाना पड़ता है? अरे बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से अब बच्चे हैं इनको ले जाना पड़ता है छोटे छोटे। घर में कितने लोग हैं? बस 5 लोग हैं, 3 बच्चे। आवास ना मिला बात तो का दिक्कत हुआ था वैसे? तो चाहिए, घर द्वार चुहत है तो कहे ना रोको, प्रधान से बात ना ही करे रोको, प्रधान ना कहे का कहा थी प्रधान? वो तो कहा थे दिलाऊ। कब आए रहन कहीं दिलाई पे? आए ना रहन, मतलब जब उनसे कहा तो कहा थे। चुनाव के टाइम आवत थे कि एकरे बदियो कब आवत नहीं? चुनाव टाइम पे आवत थे, एकरे बाद नहीं आवत इन गांव में। दादी का नाम है? ये गाँव का नमो जाना थू, गाँव का नमो बतावा। गाँव का नमो बता दो। मिश्राने का हो तो हाथ दिक्कत बा, का कहा रू का ना मिला तू का कनवस कम सुने तीन सिनिया को ना मिला का कहा रू ना मिलत तीन सिनिया हमार ना मिलत साल वो है गया दूसरा साल लग गया पाए ना हम पुरानिया हुई हमारे हम चले वही ना आई ना काउ कर भाई करी तो कैसे मतलब कितना दिन हो गया ना मिला साल से पर फागुन में पाए रहन बच्ची फागुन में पाए तब से ना पाऊ तब से ना पाए क्या उस कहा तू ना प्रधान और दाना उतिन ना तो रेखिया प्रधान से ना गा तू प्रधान खिया ना जात रहन पर ऐसे हमार बनी रही है आवती रही लेकिन अब ना आवती है सही। अच्छा, 1-1.5 साल हो गया। तो कैसे खर्चा पानी दवाइया कैसे करावत हूँ? दिक्कत हुआ था पेंशनिया ना हो तो दिक्कत हुआ था कि नहीं? कहा थी यहाँ पेंशनिया ना आवे तुम्हें दिक्कत हो थे कि नहीं? अरे हमें दिक्कत है ये जब पुरानिया हो गए हम के सहारा है ये ना इन हमका
हमें वही सहारा बा बही तो हमें दिक्कत है ये या। अरे इनके पास लड़का ना है लड़की, हमारे पास लड़किया बच्चा ना है, बिटिया बेटा यहाँ बहनी और यहाँ है, और हमारे लड़किया ना है यहाँ, हम वैसे ही।